भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला ने मंगलवार को गोरखपुर शहर और ग्रामीण विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो किया तथा लोगों से मोदी और योगी के द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। रोड शो के पहले रविकिशन ने नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल के साथ प्राचीन महादेव झारखंडी में रुद्राभिषेक किए। उसके बाद नौसड़, बहरामपुर सहित अन्य स्थानों पर लोगों से जनसंपर्क किया और लोगों से वोट मांगा। रवि किशन ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों से कहा कि मोदी सरकार ने घर में रसोई गैस दिया, शौचालय बनवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन दिया, सड़कें दिए, पुल दिए, इसके साथ पूरे देश में विकास की गंगा बहा दी। रवि किशन ने कहा कि मोदी और योगी जी के सम्मान में बीजेपी को वोट दें और केंद्र में फिर से एक बार मोदी सरकार बनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला ने कहा, किसान लोगों को पेंशन, छोटा व्यवसायी 60 साल के बाद उनका की पेंशन मिली, कितना बैंक खाते खुले, अपन बिरादरी खाती क्या करेगा। बिरादरी के नाम पे जमीन घेरा गई, जमीन पर कब्जा हो लगा, गरीब आदमी को दबाया गया, किसान को दबाया गया, खेत पर कब्जा कर लिया गया। यह खातिर उन्होंने सरकार बनाई। आज हम वचन दे छाई, हमारे साथ बिहार एक ऐतिहासिक थी। 2018 का कलम मिटा के कोई
जमीन कब्जा वाला लोग और जोन जोन न्याय भाई बा गरीब पूर्वा थे उस सब का बदला ले। देखो गरीब किसान ने सुख देख लिया है, पैसा पानी सब महादेव सब कुछ देख लिए है। टेंडर ना लड़ा हो क्योंकि टेंडर ना जुटाई क्योंकि ही ना मारा वो ना मारा नोचब ना ही के क्योंकि नोचब ना ही यार सेवा करा रक्षक बनकर पूज्य महाराज जी का खाव रखकर सेवा करा वचन बा। सब लोगों के मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो गई बातें याद रहिया ये वचन हो हमार। मिट्टी के घर में मैं रहता था वहां से ला भोजपुरी की लड़ाई लड़ी वृद्धे सो जनवाया भोजपुरी भाषा का बा तब मनोज तिवारी आई रही तब दूसरे सब लोग हमारे छोट भाई सब लोग आई रही यह उन लोगों का यही वो योद्धा है जो बैठा है सब गाड़ी के छत पर भोजपुरी का योद्धा पूज्य महाराज जी का शिष्य भैया हो 19 मई के हम लोग उस कलंक का पता लेंगे जो मंदिर की सीट हम लोग उसे छीना गई थी। हाथ उठा के लेवा सुना ले हाथ उठा के आखिर वो मंदिर की सीट मंदिर को हम वापस लौटाएंगे। वो मंदिर ने इस गोरखपुर को स्वर्ग बनाया और पूज्य महाराज जी ने बनाया वो मोदी जी जिन्होंने हमारे गरीब ग्रामीणों के लिए सोचे उस मोदी जी को एक बार फिर मोदी सरकार बनाएंगे। फोटो नहीं खींचे हो अभी खिंचवा रहे हो बिल्कुल साथ में भारत माता की जंगल रानी की माटी के हम गोर छू के प्रणाम करे थी पाल अभी सब लोग के प्रधान जी हमारे साथी बड़ा अब्बू साई जी खातिर भैया होगा जोरदार ताली हमारे विधायक जी के लिए भैया खातिर होगा जोरदार ताली मंत्री जी बाड़े बाड़े मेरे मंडल के उत्तरा खातिर जोरदार ताली और जितने भी जितना भी लोग ऐजा बाड़े जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के प्रेम में योगी महाराज के प्रेम में ऐजा जुटल बाड़े सब लोगों के खाम में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हम ऐजा से पूरा नमन करत है प्रणाम करत है सब लोगों के मोदी प्रेम बा मोदी प्रेम ये मोदी प्रेम बा मोदी प्रेम हा उससे अच्छा तो आप और मोहन से बोला जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी रवि किशन भैया जिंदाबाद न पंजे पे रवि किशन जिंदाबाद न बबलू साई रवि किशन जिंदाबाद न पंजे पे न साइकिल पे न पंजे पे न साइकिल पे न जात पे न हाथी पे न पंजे पे न साइकिल पे न जात पे न हाथी पे
मुहर लगाना भैया हो, कमल के मुहर लगाना भैया हो, मोहर लगैया भैया हो, सीना ठोक कर 56 इंच के छाती पर। तो भैया योगी महाराज 2018 में जौन कलंक लगल बा वो कलंक को धोना है, और कलंक हम लोग इस तरह धोएंगे, इस तरह धोवाइल जाए कि मंदिर के सीट, गोरखपीठ के सीट, भारतीय जनता पार्टी के सीट, पूज्य योगी महाराज के सीट, फिर उनके दोबारा हम लोग सम्मान पूर्वक 19 मई के ऐतिहासिक जीत के साथ लौटाएंगे। पूज्य योगी महाराज के कर्म गोरखपुर के स्वर्ग बना देलन। हमारे प्रधानमंत्री एक मसीहा हैं, एगो भगवान जैसे भेजले बाड़न, उनके देवता देवता हैं प्रधानमंत्री, जो आते ही बोलते हैं कि घरे का इज्जत, माई बहन का इज्जत, खेत खलियान में क्यों जाते हैं शौच करने। आज तक आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री हमारे घर के माई बहन खातिर ना सोच ले। 70 साल बाद हमारे गांव देहात में बिजली आई, 70 साल बाद किसान के पेंशन मिलल, 70 साल बाद मुफ्त में मकान गरीब लोगन के भेटाइल, 70 साल बाद 7 करोड़ महिला लोगन के गैस कनेक्शन भेटाइल। गिनवाए लगब तो भैया 2-3 दिन हमके ऐजा खड़ा रहे के पड़ी महादेव के पास। इतना कुल काम भइल मात्र 5 साल में, और योगी महाराज सिर्फ 2 साल में एम्स बना दे। 2 साल की सरकार, 5 साल की सरकार। तो भैया हो, वोट किसको मिलना चाहिए? मोदी को। वोट केकरा के भिटाए के चाहिए? मोदी को। जात या पात को, बिरादरी के, कि उस भगवान मोदी को, जो हमारे देश खातिर निस्वार्थ पाकिस्तान को घुस के मारता है। राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है योगी महाराज, बोले जा रहे हो हमारी सीट पर, जैसे मैं काम करता था वैसे करना पड़ेगा। तो महद्दीपुर में मैंने अपना आवास ले लिया, अपना परिवार भी बुला लिया, यहरा रहा, यही सेवा करूंगा। यह माटी बढ़लगंज मानखोर का है, अपन माटी में रहब, महाराज जी के सम्मान में कबो दाग ना लगे, देवी वादा। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे माता, वंदे माता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, किसान पिपिन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद पिपिन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद रवि किशन, रवि किशन पिपिन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद रवि किशन पिपिन भैया जिंदाबाद, रवि किशन पिपिन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद रवि किशन पिपिन किशन जिंदाबाद, जिंदाबाद रवि किशन पिपिन किशन जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी साहब भाई मास्टर साहब जी साहब साहब पूज्य महाराज जी जौन जौन काम बढ़ौलन उ गति में कोनो कमी ना हुई। दूसर पूज्य महाराज जी का आदेश बाकी है रह गयो फिल्म सिटी फिल्म स्टूडियो बनावा, जैसे 1 लाख लोगन के डायरेक्टली इनडायरेक्टली का रोजगार मिली। जिम का व्यवस्था हर गांव के आसपास जिम होके के चाहिए ओपन,
दूसर रंगमंच हर गांव के आसपास, ताकि हम लोग कलाकार तैयार करें, क्योंकि सिनेमा और एक्टिंग कला भी एक कमाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और हमारे लड़के यूथ युवा सब लोग तैयार होंगे तो 23 करोड़ की आबादी सब गोरखपुर में ट्रेनिंग लेने आएगी। ऐसा प्लान बा जैसा हैदराबाद में रामोजी स्टूडियो युवा के लिए। देखा क्रिकेट में बाड़न, हम चाहे कि फुटबॉल में आए, हम चाहे कि वो लोग जिम में जाएं, कसरत करें। और ये फिल्म सिटी के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिली, और जब बन जाए ओकरे बाद तो महाराज जी बहुत सारा उपदेश और आदेश दिए हैं, ओकरे बाद उस अनुसार काम कर जाए। इस गोरखपुर को स्वर्ग बनाना है जैसे महाराज जी बनाए, उसमें कहीं एक दाग नहीं लगने देना।